अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नाज़ली हमीद है। मैं गाइनियोप्स के शोबे से मुंसलिक हूँ, कमोबेश 30 साल से अब इस शोबे से वाबस्ता हूँ। आज आपसे मैंने जिस मौजू पर बात करनी है वो ये कि हम मिसकैरेज क्या होता है, जिसको आम जबान में आप लोग अबॉर्शन कहते हैं, और अबॉर्शंस को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, किया जा भी सकता है प्रिवेंट या कि नहीं किया जा सकता, और कौन से अबॉर्शन हैं जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं और किस तरह से किए जा सकते हैं। सो अबॉर्शन या मिसकैरेज मुख्तलिफ किस्म का होता है, जिसमें से एक टाइप को हम कहते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन का मतलब होता है कि अभी मिसकैरेज हुआ नहीं है, बट देयर इज़ अ रिस्क ऑफ अबॉर्शन, एंड देन इट गोज़ टू अ स्टेज ऑफ इनएविटेबल अबॉर्शन, जहाँ पे यूट्रस ओपन होना शुरू हो जाती है और वो उसको एक्सपेल करती है। सो अगर तो आप इस स्टेज पे हैं ऑलरेडी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अबॉर्शंस, इनएविटेबल अबॉर्शन अगर आप हैं तो वो प्रिवेंट नहीं हो सकते। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स कॉजेज भी ऐसे हैं कि जो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ हैं, तो वो उसकी इतनी वाइड वैरायटी है कि आप उनको 100% अवॉइड नहीं कर सकते। आप रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क बाय रिड्यूसिंग कपल द कज़न मैरिजेस, यू नो, इंटरफेमिलियल मैरिजेस, बट हैविंग सेड दैट ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कज़न मैरिज नहीं की तो उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी बिल्कुल नहीं हो सकती। सो इट्स नॉट 100% प्रोटेक्शन। जो चीज़ें आप कर सकते हैं कि यानी अपनी जितनी आपकी अच्छी हेल्थ होगी प्रेगनेंसी में, और जितना आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, और जितना आप स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उतना आपके चांसेस ऑफ गोइंग ऑन विद अ हेल्दियर प्रेगनेंसी बेहतर होते हैं। और उसमें हम ये चाहते हैं कि आप प्रेगनेंसी से पहले अगर कोई क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है, मिसाल के तौर पर पहले से डायबिटीज़ है, पहले से हाई ब्लड प्रेशर है, पहले से कोई ब्लड क्लॉट की बीमारी है, या सिफिलिस वगैरह ऐसी बीमारियां हैं जो कि मिसकैरेज कर सकती हैं, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो उसका पहले से ट्रीटमेंट हो जाए, उस हेल्थ की ऑप्टिमाइजेशन पहले से हो जाए, ताकि प्रेगनेंसी के ऊपर उसके असरात कम से कम मुरतब हों। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कुछ ऐसी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं जिनसे कि कुछ ख़ास मखसूस इन्फेक्शन हो सकते हैं जिनकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। मसलन रॉ फूड की हैंडलिंग आप बहुत ज़्यादा ना करें, रॉ मीट, अनप्रोसेस्ड मीट, अनपास्चराइज्ड मिल्क यानी बगैर उबला हुआ दूध है, तो इसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ना करें। अगर सब्ज़ियाँ और फल आप लाते हैं तो उनको अच्छे तरीके से धोकर इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि अगर आप गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से कुक्ड मीट हो, ऐसा ना हो जैसे अब सॉसेजेस वगैरह मिल जाते हैं या प्रोसेस्ड मीट मिलता है, वो वेल हीटेड नहीं होता, तो उसके अंदर ऐसे जरासीम हो सकते हैं कि जो कि लेटर स्टेजेस पे मिसकैरेजेस कॉज कर सकते हैं। सो वो इसके अलावा आप अपना कैफीन इनटेक जो है वो मॉडरेशन में रखें, यानी लेस दैन 300 मिलीग्राम्स पर डे होना चाहिए। तो एक से दो कप चाय अलाउड है पर डे, लेकिन बहुत ज़्यादा चाय वगैरह नहीं। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, दीज आर द थिंग्स जो कि आप अगर प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं तो आप ओवरऑल अपनी हेल्थ इंक्रीज़ करते हैं, बेहतर करते हैं, और ओवरऑल हेल्थ बेहतर होने की वजह से जो है मिसकैरेज का रेट कम हो जाता है। अगर मिसकैरेज किसी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी की वजह से हो रहा है, कि यानी यूट्रस की बनावट में कोई प्रॉब्लम है, या यूट्रस का मुंह जो है वो निस्बतन जिसको हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, यानी उसका मुंह, रहम का मुंह ठीक तरीके से बंद नहीं होता, तो ये मखसूस चीज़ें हैं जो किसी ख़ास प्रेगनेंसी में आइडेंटिफाई हमें करनी पड़ती हैं, ख़ास पेशेंट्स में आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। और अगर ऐसा है तो फिर उन केसेस में ख़ास तौर पर, जैसे हम अगर डायग्नोस्ड है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस जिसके ख़ास फीचर्स हैं कि इनकी बुनियाद पे उसको डायग्नोज किया जा सकता है, तो हम टांका लगा सकते हैं या हम सर्जिकल क्योर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एबनॉर्मैलिटी का, कि जिसकी वजह से मिसकैरेज हो रहा है, जो एक ब्रॉड कैटेगरी है कि हर मरीज़ को पहला ही बच्चा है और उस पर भी टांका लगा हुआ है, तो वो दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत साइंटिफिकली वेल सपोर्टेड नहीं है। सो ओवरऑल ये है कि अगर आप एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, अगर कोई क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस हैं तो उनको पहले से अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं, आपका वेट एक ऑप्टिमम लेवल पर है, आप प्रेगनेंसी में ओवरऑल हेल्दी फूड का इंटेक रखते हैं जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स वगैरह का इस्तेमाल है, और उसके अलावा वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी अच्छे तरीके से वॉश्ड हों, और उसके अलावा गोश्त है तो उसको प्रॉपर तरीके से कुक किया गया हो, अगर दूध है तो उसको अनपास्चराइज्ड इस्तेमाल ना करें, तो इन तमाम चीज़ों के साथ आप मिसकैरेज होने के रेट को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट देर इज़ नथिंग एज सच कि जिसको आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकें कि खातून का ये प्रॉब्लम है या खावन का ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, यानी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जी अच्छा मेरा इसमें क्या कसूर है, कि मतलब मेरे अंदर ऐसी क्या खराबी है कि मेरा ही मिसकैरेज होता है। सो डायरेक्टली किसी एक बंदे को एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, देर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशंस जो कि मिसकैरेजेस कर सकती हैं।
ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया ये ब्रॉड आउटलाइंस हैं, बट हैविंग सेड दैट हमें इंडिविजुअल पेशेंट्स में डायग्नोज करके इंडिविजुअलाइज करना पड़ता भी है कि इस पेशेंट में क्या ख़ास वजह है, और अगर उस पेशेंट में कोई ख़ास वजह पिक हो तो उसको ट्रीट किया जाता है। बस औकात हम सारे टेस्ट करते हैं और फिर भी कोई मिसकैरेज की वजह पता नहीं चलती। ऐसी सूरत में आपके चांसेस ऑफ हैविंग ए नेक्स्ट हेल्दियर प्रेगनेंसी आर अबाउट 70% अगर हम आपको अच्छा फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं या ब्लड थिनर्स जैसे लोप्रिन वगैरह साथ ऐड कर देते हैं, और कुछ केसेस में हमें फिर अगर ऑटोइम्यून डिजीज़ पिक हो जाए तो हमें एडवांस ब्लड थिनर्स जैसे कि इंजेक्शन वगैरह देने पड़ते हैं। लेकिन हर केस में, हर मिसकैरेज केस में ये तमाम चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर दवाई के, चाहे वो टैबलेट है या इंजेक्शन है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और उनका यूज़ हमेशा जस्टिफाइड और रैशनल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।